ओ शिट, ये फोन से लगी है। यहाँ पर फोन की हालत आप देखें, पूरी तरह ये ब्लास्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपके गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हो काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये जो है वो आ रहा है ओप्पो यूज़र्स की तरफ से। जी हाँ, अगर आप एक ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हो, हालाँकि मैंने भी बहुत से ओप्पो के फ़ोन टेस्ट किए हुए हैं, और मैंने जितना भी टेस्ट किया है ओप्पो के फ़ोन में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखी। लेकिन हाँ, अगर आप एक ओप्पो फ़ोन यूज़र हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी भी ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आखिर में आप किस ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली एक रिक्शा चालक है, उनका ओप्पो का A53 जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, जेब में रख के वो रात में रिक्शा ड्राइव कर रहे थे, और जब वो फ़ोन ब्लास्ट हुआ तो उनकी जो पैंट थी वो पूरी जल गई, और उनको अच्छा खासा, मतलब आप कह सकते हो पट्टी वट्टी लगी हुई है पाँव वाँव में। जब फ़ोन ब्लास्ट हुआ तो उनको इतना तेज़ शॉक लगा कि उनका रिक्शा जो था वो एक्सीडेंट भी हो गया। बेसिकली आप कह सकते हो ऑटो ड्राइवर थे, तो वो एक्सीडेंट हुआ तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, और उनको पाँव में भी फ्रैक्चर का प्रॉब्लम हो गया है। और दोस्तों, ये ओप्पो का फ़ोन अगर आप भी यूज़ करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि जो वीडियो है, अगर आप फुल देखना चाहते हो कि क्या इंसिडेंट हुआ, कैसी उनकी हालत है और उनके साथ क्या हुआ, तो मैंने फुल वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेसिकली ये जो वीडियो, ये टेक्निकल दोस्त द्वारा जो है अपलोड की गई है, और बेसिकली वो, मतलब आप कह सकते हो कि ओप्पो का जो A53 फ़ोन है वो पता नहीं किस लिए ब्लास्ट हुआ। क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आपका फ़ोन, क्या आप अलग चार्जर यूज़ करते थे या ओरिजिनल चार्जर यूज़ नहीं करते थे, हीट हुआ था फ़ोन, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं जो बॉक्स के अंदर चार्जर मिलता है वही यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर भी जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो गया। अब ये यार देखो, कोई बहुत, आप कह सकते हो छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यार लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं, आप में से भी बहुत लोगों के पास होगा, और अगर ऐसी न्यूज़ आए सुनने में तो ये सही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, और जो टेक्निकल दोस्त के द्वारा जो चैनल में अपलोड की गई है वीडियो, उसको भी शेयर करिए ओप्पो इंडिया के साथ। ट्विटर पर जाइए, टैग करिए, इस वीडियो को भी टैग करिए, और आखिर में फ़ोन क्यों ब्लास्ट हुआ ये रीज़न हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार अगर ऐसे ही होता रहा तो यार हमारी जान खतरे पे हो जाएगी, क्योंकि एक फ़ोन हमारे साथ हमेशा ही रहता है। और कभी सो रहे हो, कभी यार आज पैर पे ब्लास्ट हुआ, कल कहीं सर पे आपने लगाया हो, ब्लास्ट हो जाए तो यार जान भी जा सकती है इसकी, बहुत रिस्की है ये। तो प्लीज़ जल्दी से इसको ट्विटर पे ट्वीट करो इस वीडियो को, और आखिर में ओप्पो का A53 क्यों ब्लास्ट हुआ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आप में से कितने लोग यूज़ करते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि जो वीडियो का लिंक है वो पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरी फुल वीडियो है, उनका पूरा इंटरव्यू लिया है हितेश भाई ने, जो कि टेक्निकल दोस्त जिनका चैनल है, तो उन्होंने मतलब पूरा इंटरव्यू टाइप का उनका लिया है कि आखिर में कैसे क्या हुआ और कैसे ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। अगर फ़ोन आपका हीट कर रहा तो उसे स्विच ऑफ करके रख दें, करके क्या होता है फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो ऐसी गर्मी का सीज़न है, जेब में रखे रहो तो काफ़ी ज़्यादा हीट करता है, तो भैया फ़ोन को क्या करो, स्विच ऑफ कर दो, थोड़ी देर के लिए रख दो, हो सके तो फ़ोन को एक्सट्रीम लेवल तक यूज़ मत करो, ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का फ़ोन ब्लास्ट हो जाए तो ये कंपनी की गलती होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हालांकि यार अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन तब भी लाइक करिए और शेयर करिए इसको, ओप्पो इंडिया तक पहुंचाइए इस वीडियो को। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।